थैंक यू आप इस पेज पे आने के लिए। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमें डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, बट बहुत सारे लोगों को वेबसाइट बनानी नहीं आती है। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो वर्डप्रेस भी नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो मैं उनके लिए एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ जहाँ से मैं भी करता हूँ, हालांकि मुझे वर्डप्रेस वगैरह सब चीज़ आती है, वेबसाइट बनाने भी आती है, सब चीज़ आती है, बट ये वीडियो उन लोगों के लिए है कि जो फेसबुक एडवर्टाइजमेंट तो समझ पाएंगे, डिजिटल मार्केटिंग समझ पाएंगे, बट वो इतनी ज़्यादा टेक्निकल नहीं है कि वो अपना बहुत बड़ा वर्क कर सके। तो इनके लिए मैंने आपको लिए बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने शहर में और अपने जगह ऑफलाइन भी आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको ऑनलाइन के बारे में भी आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा। तो सबसे पहले मेरे वीडियो है, मेरा जो यूट्यूब चैनल उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने नीचे एक बटन दे दूंगा मैं आपको, उस पर आप क्लिक करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिससे क्या मैं आपको आने वाले टाइम में नई नई वीडियोज में आपको मैं भेजूंगा। अब मैं आपको बात बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, आप अपने जिस शहर में हैं उस शहर के साथ आप डिजिटल मार्केटिंग करके कितना पैसा कमा सकते हैं उसके बारे में बताता हूँ। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट जो बात करता हूँ वो करता हूँ क्लाइंट बेस की। क्लाइंट बेस का मतलब क्या होगा कि बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जिनको अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाना है। ठीक है, जैसे फेसबुक एड्स करवाना होता है उनको अपनी वीडियोस अपन को ऑनलाइन करवाना होता है, और उनके ऊपर बहुत सारे लोग उनका बहुत अच्छे से उनका पब्लिसिटी करनी होती है। तो उन लोगों से आप बहुत अच्छा कमा सकते हैं, उनके लिए लीड्स जनरेट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें फेसबुक एडवर्टाइज में आती है। ठीक है, तो नेक्स्ट में आगे आपको बताऊंगा कि ये किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से वर्क करती है, लेकिन सबसे पहले ये चीज़ समझ लीजिए। तो मान लीजिए क्लाइंट बेस पे आप वर्क करते हैं, तो यदि एक क्लाइंट से भी आप 15,000 रुपये या 20,000 रुपये भी लेते हैं तो आपके 50% भी बचता है, तो आराम से 7-8 हज़ार रुपये आराम से बचता है। यदि आपके 5 या 7 भी क्लाइंट होते पूरे शहर में या आसपास की जगह में, बहुत सारे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिम वगैरह ऐसे लोग जो ऑनलाइन आ रहे हैं, क्योंकि आज का टाइम क्या ऑनलाइन है, तो वहाँ से आप क्लाइंट बेस उठा सकते हैं। यदि आप 5-7 लोग भी पकड़ लेते हैं तो आपके 35-50 हज़ार रुपये आते हैं, और ये क्या होती है, रिकरिंग इनकम होती है, हर मंथ की इनकम होती है। आपने एक मंथ कर लिया, अगले मंथ में आप वापस उनसे वो पैसा लेंगे, फिर अगले मंथ में और पैसा लेंगे। अब आप खुद समझिए क्लाइंट बेस में कितना पैसा कमा सकते हैं। यदि 10 क्लाइंट बना लिए तो 10 क्लाइंट में बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएगा, क्योंकि उन लोगों के पास डिजिटल मार्केटर होते ही नहीं है और उन चीज़ों का इनको पता नहीं है। तो आप ये चीज़ सीख के बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, फर्स्ट तो ये। सेकंड आप कर सकते हैं आप इंश्योरेंस का काम। ठीक है, इंश्योरेंस भी एक तरीके से वर्क करने का वर्क में बहुत अच्छा इनकम करती है। बट आप सोचोगे यार इंश्योरेंस में कस्टमर कहाँ से लेके आएंगे, नहीं, आप इंश्योरेंस एजेंट बनिए, बट आप क्लाइंट कहाँ से लाएंगे, अपने फेसबुक एडवर्टाइजमेंट से। आप कहीं पे भी नहीं जाना, मतलब फिर फेसबुक एडवर्टाइजमेंट, आपने एक फेसबुक एडवर्टाइज कर दिया, एड लगा दिया और एड कॉपी लगा के इंश्योरेंस के लिए, जो लोग इंटरेस्टेड होगा उस पर क्लिक करेगा, अपना लीड देगा, आपको बोलेगा भाई मुझे इंश्योरेंस करवानी है, तो आपको कहीं नहीं जाना, वो कस्टमर अपने पास आपके पास आएगा। तो इंश्योरेंस में क्या होती है, मान लीजिए आपने 1 लाख का भी इंश्योरेंस कर दिया किसी एक व्यक्ति का, तो उसमें कम से कम 25 से लेकर 40% तक आपको कमीशन मिलता है। मतलब मान लीजिए इन एवरेज 30% भी मिलता है, 1 लाख का 30% 30,000 रुपये। यदि आप महीने का 1, 2 या 3 भी आप करते हैं तो भी आपके आराम से 40-50 हज़ार रुपये इंश्योरेंस में आ जाते हैं। और इसको ऑटोमेशन पे ऑटोमेटिकली रख दे, इसमें आपको कहीं जोड़ लगने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। तो सेकेंड आ गया अपना इंश्योरेंस। थर्ड में आपको बताता हूँ आपको, वो है आपका लोन्स डिपार्टमेंट, जो लोन्स अपने डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो बहुत सारी बैंक्स क्या करती है, वो क्या करती है कि अपने DSA बनाती है, मतलब एक तरह से वो भी एक तरह से एजेंट बनाती है। तो आप क्या कर सकते हैं कि वहाँ के DSA बन सकते हो। ठीक है, किसी भी बैंक के, बहुत सारी बैंक सब देती है आपको DSA। वहाँ पर आप क्या करोगे कि उनको आप उनका आपने DSA ले लिया, और फिर आपने क्या किया कि अपना एक ऐड चलाया, ऐड में आपको लोन के बहुत सारी लीड आती है, बहुत सारी, मतलब 5-5 रुपये में एक एक लीड्स आती है। ये फेसबुक लीड्स, आपको कहीं नहीं जाना, दोनों तीनों कामों में आपको कहीं नहीं जाना, लीड्स आती है, आप लीड से बात करिए भाई आपको कितना लोन चाहिए। मान लो आपके 100 लीड भी आ गई, तो 100 लीड में भी आपके यदि 10 भी डिस्ट्रीब्यूट हो गए, मतलब कि लोन हो गया, यदि 1-10 लाख रुपये का भी एक भी आपका लोन होता है
तो कम से कम 10 लाख रुपए का एक लोन का मतलब 10 × 10 लाख हो गए 1 करोड़। अब 1 करोड़ का यदि आपके पास 1% भी आपको मिलता है तो 1 लाख रुपए पर मंथ आपके पास हो गए, ठीक है। आपको कहीं पे भी कस्टमर ढूंढने की जरूरत नहीं। कस्टमर कौन ढूंढेगा? आपका फेसबुक, जो आप एडवर्टाइजमेंट करेंगे, जो डिजिटल मार्केटिंग आप करेंगे। और इसके बाद में बात करता हूँ मैं रियल इस्टेट का, ठीक है। रियल इस्टेट ऐसी चीज है जहाँ पे सबको घर जरूरत होती है, फ्लैट की जरूरत होती है, प्लाट की जरूरत होती है, दुकान की जरूरत होती है। वहाँ पे भी आप अपने बिजनेस, जो भी डेवलपर है, जो भी ये रियल इस्टेट डेवलपर, उनसे आप बात करके अपना कमीशन फिक्स करिए। 1 या 2% कमीशन होता है, 5% तक भी जाता है। उसको भी आप क्या कर सकते हैं, ऐड बनाया, उसके रियल इस्टेट का ऐड बनाया और वहाँ पर आपने उसको लगा दिया और टारगेटिंग कर दिया आपने। वहाँ पे भी आपको लीड्स आती है तो उस लीड्स को उठा के आपने उनसे बात करी और वहाँ पे आपने किया। महीने के आपको 5-4-5 भी आपके हो जाते हैं, 10-10 लाख या तो 50 लाख का भी आपका होता है और उसका 1% या 2% भी मिलता है, 2% भी मिलता है तो भी आपके 1 लाख रुपये हो गए। तो ये जरूरी नहीं कि आप ऑनलाइन पर ही जाके कोई चीज़ कर सकते हैं। आप फेसबुक एड हर जगह आप इसको यूज कर सकते हैं और बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं और डेफिनेटली आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको कस्टमर आने की आपको टेंशन नहीं है। लोगों को ये नहीं पता कि कस्टमर आएंगे कहाँ से। तो फेसबुक एड बहुत ही अच्छा ये फील्ड है। और ये जो 4-5 चीज़ है वो मैं खुद भी करता हूँ, मैं ऑनलाइन भी बहुत सारी चीज़ें करता हूँ। अब मान लीजिए आपको ई कॉमर्स भी कर सकते हैं, बट ई कॉमर्स में आपको क्या है कि आप टेक्निकल इतने नहीं हो, बट आपको वेबसाइट नहीं बनानी आती। तो अब ये 4-5 चीज़ें बहुत अच्छे से आप इसको कर सकते हो और बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो और बहुत ही कम पैसों में, मतलब बहुत ही कम पैसों में। आपको इतना पैसे लगाने की जरूरत नहीं है और आपको 4-5 चीज़ें आप आराम से पकड़ सकते हो और बहुत ही अच्छी अर्निंग कर सकते हो। तो मैं तो सबसे पहले आप ये चीज़ आपको समझ में आई, यदि समझ में आई है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और मेरा मैं आपको नीचे मेरा यूट्यूब का चैनल का एक बटन दे रहा हूँ जहाँ से आप सब्सक्राइब कीजिए और आपको नई वीडियोज़ भी आपको मेरे सामने आएगी। अब आने वाले टाइम में मैं सब्सक्राइब इसलिए कीजिए क्योंकि मैं आपको बहुत और भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत भी डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू बहुत ही आगे नई चीज़ें बताऊंगा, अर्निंग के सोर्सेज बताऊंगा और आप किस तरीके कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू।